जय माता दी। पुत्र, जो बंदा हारी हुई जिंदगी जीता है ना, वो अपनी मां के गोद में भी कभी सुकून नहीं पाता। जी माफ कीजिएगा, पर आप ये गुरु हरभजन जी, तूने नाम तो सुना ही होगा, पूरे अंबरसर में ना बहुत मशहूर है। तुझे पता है बड़े बड़े सिंगर्स भी ना सुरों की बारीकियां इनसे ही सीखने आते हैं। और आज ही तेरा गाना सुनने आए। चोकी, अगर इन्हें तेरा गाना पसंद आ गया ना, तो सोच भी नहीं सकता तेरे लिए कितने रास्ते खुल जाएंगे। बीजी मेहमान को बिठाइए। माही, गुरु जी सुन भी राजी है। एक बारी कई गल तेरे पल्ले नहीं पड़ती ना। क्या कहे जोगी ने, कोई गाना शाना नहीं गाना उसने, क्यों लेके आई इन्हें? कुछ नहीं सीखना उसे, जहां से लेके आई वहीं छोड़ के अभी के अभी। बेबे, गुरु जी जोगी को कुछ सिखाने नहीं आए, उसका सिर्फ गाना सुनने आए हैं। तेरा चलाकिया ना दिखा मैनू, जो कहा जा रहा बस वही कर। जहां से आए उनको छोड़ क्या, जोगी ने कह दिया वो गाना नहीं गाएगा, मतलब नहीं गाएगा। बेबे, उसने तो ये भी कहा था ना कि वो सुबह नहीं उठेगा, दूध देने नहीं जाएगा, घर के काम नहीं करेगा, तबेले के काम नहीं करेगा, लेकिन कर रहा है ना सब कुछ। अगर हम उसे तरीके से बोलेंगे गाना गाने के लिए, वो भी करेगा। बेबे, वो बस डरा हुआ है, कोई भी इंसान नया काम करता है तो वो डर जाता है। और वो क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। तो चलो बेबे, चोकी को जिताना है। बेबे, हम एवे फालतू में बहस करे जा रहे, आखिरी फैसला तो चोकी का ही होगा ना, तो उसी को बात शुरू करने देते हैं। चल मेरे नाल एक मिनट। क्या लेगी तू? मतलब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल करने का, क्या लेगी तू? मेरी जिंदगी शांति से चल रही थी, सुकून से चल रही थी, उसे वापस वैसे ही करने का क्या लेगी तू? ओए, अपनी जिद से मेरी जान को छुड़वाने का क्या लेगी तू? चूंकि तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि मुझे गाना नहीं गाना है। क्यों लेके आई है गुरुजी को? चोकी, तू अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ रहा? एक बार ट्राई तो कर। तू ट्राई करना बंद कर, वरना ना बाई गॉड की कसम मैं कुछ ऐसा तमाशा करूंगा गुरुजी के सामने कि तुझे शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। मैं तुझे कह रहा हूं, अभी के अभी उन्हें प्यार से यहां से जाने के लिए कह दे, वरना वो थूथू करते हुए जाएंगे। मैं नहीं गाऊंगा, यही जवाब होगा जोगी का। जानती हूं मैं अपने पुत्र को। आप तो जानती होंगी हीरे का जना कहां होता है, कोयले की खान में। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि जोगी हीरा है या कोयला। कई बार ऐसे होता है कि लोगों के पास कला भरी पड़ी होती है,
लेकिन उन्हें अपना रास्ता पता नहीं होता। मैं बस ऐसे लोगों को उनका सही रास्ता बताता हूं। जोगी की आवाज सुनकर बस मैं यह फैसला करना चाहता हूं कि क्या सचमुच जोगी उस रास्ते पे चलने लायक है या नहीं। और यदि जोगी की आवाज में सचमुच वो ताकत है जो उसे पंख दे सकती है, तो कौन सी मां अपने बेटे की तरक्की नहीं देखना चाहती। क्यों रूपा जी, सही कह रहा हूं ना? गुरुजी, हमारे बच्चे को रास्ता दिखा दीजिए। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूं। सामान लेके आए हुए? ओ वाह, मतलब वो यहीं पे रहेंगे? और दिमाग खराब हो गया तेरा? चूंकि इतना क्यों भड़क रहा है यार तू? उनको सिर्फ एक बारी गाना सुने, एक बारी गाना तो सुनने दे, उसके बाद देख लेंगे। क्यों? क्यों सुनना है? क्यों सुनाना है? चूंकि बैठ नीचे। चूंकि क्योंकि तुझे उनकी जरूरत है, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी कमियों पे काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक हीरे की पहचान सिर्फ एक जौहरी को ही होती है। और तू मेरा हीरा है जोगी, और गुरुजी जौहरी। तुझे पता है जोगी, अगर गुरुजी को तेरा गाना पसंद आ गया ना, तो सोच भी नहीं सकता हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। कईयों की जिंदगी बनाई है इन्होंने। तुझे ऐसा ट्रेन करेंगे ना कि कोई तुझ पे उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई तेरे गाने को बुरा नहीं बोल पाएगा। जैसे उस ऑडिशन पे उन चाचों ने बोला था। तुझे पता है, उनमें से दो जज ना गुरु जी के शिष्य ही हैं। तू नहीं जानना चाहता कि तू सही था या वो सही थे। तू नहीं जानना चाहता कि तेरी आवाज में वो बात है या नहीं जो तुझे स्टार बना दे। नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। ना ही मुझे दुनिया को कुछ साबित करना है, ना ही मुझे कुछ बनना है। ठीक है, ना बन, ना कर कुछ, किसी को कुछ भी साबित मत कर, किसी के लिए कुछ भी मत कर। पर जोगी, पर अपने लिए तो कर सकते हैं ना, अपनी खुशी के लिए। जोगी, तू ही कहता था ना, गाना गा के तुझे सुकून मिलता है, तो बस अपने सुकून के लिए गा ले। ये सही है। थोड़ा सीधा पति क्या मिल जाए तो पत्नी की लॉटरी लग जाती है। उसे मौका मिल जाता है वकील बनने का, दलीलें पेश करने का। मुद्दा हो या ना हो, सच बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, पर किसी भी तरह से ना हमने अपनी बात तो मनवा ही लेनी है, अपनी जिद तो मनवा के ही रहना है, फिर चाहे पति सुख में हो या दुख में हो। कौन सा झूठ बोला है मैंने जोगी? कौन सा दुख दिया है मैंने तुझे? तुझे क्या लगता है मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ तुझे दुख देने के लिए कर रही हूँ? गुस्से में कुछ भी बोलता है यार तू। जोगी, हमारे तरीके अलग हैं, लेकिन मंजिल तो एक है ना, एक दूसरे की खुशी। और उसे पाने के लिए तरीके अलग हो सकते हैं। तेरी हर बात ना से शुरू होती है, मेरी हर बात हाँ से शुरू होती है। तू बिना सोचे समझे फैसले करता है, और मैं सोच समझ के।
मैंने ना आज तक ये बात नहीं बोली, लेकिन आज बोलना चाहती हूँ। तूने मुझसे शादी करके ना मेरी जिंदगी बचाई। जैसी जिंदगी मैं चाहती थी ना, मुझे वैसी जिंदगी दी। अब शायद ये बात नहीं जानती थी इसलिए तुझ पे गुस्सा हुई, तुझसे नाराज रही मैं, लेकिन अब समझ गई हूं। जोगी, मैं भी बस वही करना चाहती हूँ तेरे लिए, तेरी जिंदगी संवारना चाहती हूँ। जैसी जिंदगी चाहता है ना तू, ऐसी जिंदगी देना चाहती हूँ। तू आज ये बात नहीं समझ रहा, लेकिन एक दिन जरूर समझेगा। प्लीज जोगी, मेरी कोशिश बेकार मत कर। चल बोल, की करना है? बस गुरु जी के आगे गाना गाना है। करेगा मैं गुरु जी को बता के आती हूँ कि तू तैयार है। ये देखो मिस्टर साक्षात ओरिजिनल कुमार आ रहे हैं। अरे भैया ओरिजिनल कुमार नहीं, ये रिमिक्स कुमार है। रिमिक्स कुमार नहीं, कॉपी कुमार, बोल कॉपी कुमार। अरे इससे ओरिजिनल तो मेरा चप्पल है, शायद तुम भूल रहे हो। तुम यहाँ पर गाना गाने के लिए आए हो, रोने के लिए नहीं यार। अच्छा तो मूडी सिंगर हैं आप? तेरे जैसे सिंगर को डिस्क्राइब करने के लिए तो एक टर्म भी है, बाथरूम सिंगर। ऐसे लोगों को सिंगर नहीं, फ्रॉड कहते हैं, फ्रॉड। तू सिंगर नहीं है। शालुदी, और फ्रूट्स लाना। अच्छा लाती हूँ। माही गुरुजी को लेकर आ गई, जोगी को ट्रेन कर। वैसे माही को गुरुजी का नंबर किसने दिया? वो तो किसी से नहीं मिलता ना। I don't know. Masking for the last time. माही को गुरुजी का नंबर किसने दिया रे? I don't know. मुझे नहीं पता। माही
रेनू से मिलने आई थी, ये दोनों उसके रूम में कुछ बात कर रहे थे और ये गुरुजी पहले रेनू को सिखाया करते थे। हो सकता नहीं, यही हुआ है। माही को गुरुजी का नंबर रेनू ने ही दिया है, और कौन दे सकता है? कौन गुरुजी? कौन जोगी? कौन भाई? सॉरी यार माही, पर तू समझ नहीं पाएगी कि मैं क्या चाहता हूं। मैं शांति चाहता हूं और तू मुझे जबरदस्ती दूसरे रास्ते पे धकेल रही है। मैं जानता हूं अगर गुरुजी को मेरा गाना पसंद आ गया ना तो वो मुझे सिखाना शुरू कर देंगे और उसके बाद तुम लोग मुझे ऑडिशंस पे भेजोगे, जो मैं नहीं करना चाहता और मेरी इच्छा है ही नहीं। तो बस सॉरी यार, पर आज मैं ऐसा गाऊंगा कि गुरुजी मेरे आसपास नजर भी नहीं आएंगे। वो हथियार डाल देंगे, हार मान लेंगे कि इस बंदे को कोई सिखा ही नहीं सकता है। क्या कर रही है चंदा? चंदा मेरी उंगली कट जाएगी। चंदा, अरे मैं क्या कर दी? तुमने तो बोला था कि माही से बना के रखो, अब बंदे बंदे रिश्ता टूट जाता तो तुम्हारा प्लान भी सत्यानाश हो जाता। और ये गुरुजी, ये तो किसी को भी नहीं सिखाते, पता नहीं जोगी को सिखाने के लिए क्यों तैयार हो गए। चंदा को छोड़ दे, छोड़ उसे चंदू। हमारा प्लान जब तक कामयाब नहीं हो जाता है तब तक हमें अच्छाई का ड्रामा तो करते रहना पड़ेगा। जसलीवर, अब सोचना यह है कि इन गुरुजी को ऐसी कौन सी गुरु दक्षिणा देके दफा किया जाए। अगर जोगी ट्रेन हुआ तो कहीं वो सही में बड़ा स्टार ना बन जाए। अच्छा, तो हमारे घर के नियम अब इतने बदल गए हैं कि घर में कोई मेहमान आने वाला है और बड़ों से पूछने की जरूरत भी नहीं है, क्यों बहुरानी? बिल्कुल नहीं बेबे, घर में जो भी काम हो रहा है उसके लिए बड़ों का आशीर्वाद होना तो बहुत जरूरी होता है। हाँ, पर इस काम के लिए तो तूने किसी का आशीर्वाद नहीं लिया। लिया ना, बीजी का। अच्छा, बीजी की परमिशन मिल गई तो मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। अहमियत कैसे नहीं है बेबे? और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी वजह से तो कर रही हूँ। गुरुजी को यहाँ पे लाने का आइडिया भी मुझे आपसे ही मिला। सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं बेबे, मैं बस ये कह रही हूँ कि अब इस घर में जो कुछ भी अच्छा होगा ना वो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से होगा। आपको याद है आपने मुझे क्या कहा था? कि मुझे एक बहू होने का फर्ज निभाना चाहिए, और जोगी की बहू होने का सबसे बड़ा फर्ज तो यही होता है ना कि वो अपने पति के किसी भी रिश्ते में दरार ना आने दे। इनफैक्ट मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने चाहे मुझे गुस्से में बोला लेकिन मैं आपकी बात का मान रखूंगी। बातें अच्छी घुमा लेती है। नहीं बेबे, मैं बातें घुमाती नहीं हूँ, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ। और आप तो उन लोगों को मुंह भी नहीं लगाते जो बातें घुमाते हैं। ओए माही, मैं गाना गाने के लिए तैयार हूँ, चल गुरुजी से मिलते हैं। बैठो,
नीचे बैठो। संगीत का सम्मान करना सीखो। जोगी, तुम कुछ गाकर सुनाओ। माफ करना, ये डकारा गया। समोसे के साथ लस्सी भी ली थी। फिर आलाप ले लो। रमता जोगी, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। फिर से आलाप लो। बीजी, मैं कह रही हूँ, गाना वाना इसने कुछ नहीं है, नाटक कर रहा बस। मैं आपके इस ऑडिशन में फेल होके रहूंगा गुरुजी। प्लीज जोगी, इस ऑडिशन में फेल ना होना प्लीज। तेरे और तेरे स्टार बनने में जितनी भी मुश्किलें हैं ना, उन सबको पार करने की सीढ़ी है गुरुजी। मेरा फोन आ गया जी। एक्सक्यूज मी गुरुजी, मैं बस अभी आया। सॉरी गुरुजी, वो ना चौकी में थोड़ा बचपन है, प्लीज माफ कर दीजिए उसको। कोई बात नहीं, ऐसे बिगड़े हुए घोड़ों को नाल कैसे पहनाते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम एक काम करो, आप तो सच में उस्ताद हैं।